इस बीच आरपीआई के नेता रामदास अठावले ने कहा है कि बीजेपी बहुमत साबित कर लेगी। सुनिए क्या कहा उन्होंने। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले उनसे बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल शाम 5 बजे तक बहुमत साबित करने के लिए फडणवीस सरकार को, क्या उम्मीद है आपकी? हमारी तो कोशिश है बहुमत सिद्ध करने की, क्योंकि अजित पवार जी के साथ जो भी एमपी आएंगे तो उन एमपी के सपोर्ट से हम मेजोरिटी दिखा सकते हैं। अभी हमारे पास 120 एमपी है, 25 एमपी की कमी है, तो मुझे लगता है कि भाई अजित दादा के भूमिका का सपोर्ट करने वाले बहुत सारे एमएलए है, और कल जब फ्लोर ऑफ हाउस में जो बहुमत सिद्ध करने का वक्त आएगा तो जरूर हमारी सरकार बहुमत सिद्ध करेगी। और पवार साहब कह रहे हैं कि 162 की संख्या है शिवसेना गठबंधन को। नहीं, वो तो जो 162 उन्होंने दिखाया उसमें जो बहुत सारे जो एमएलसी थे उसमें एमएलसी भी थे, और मतलब अभी तो सब उनके साथ ही है, लेकिन जब अभी हाउस में जब वोटिंग होगा तो उसमें बहुत सारे एमएलए हमारे साथ आएंगे और हम बहुमत का आंकड़ा सिद्ध करेंगे। लेकिन सर, एक सवाल ये है कि अजीत पवार कई सारे जो सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पे वो नहीं जा रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ में, तो उनके कदम को लेकर एक संशय का माहौल है कि वो साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे फडणवीस सरकार के साथ? रहेंगे, अगर उन्होंने शपथ ले ली है तो रहेंगे, मतलब वो तो नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है, वो तो हमारे साथ रहेंगे और हम बहुमत सिद्ध करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करें। हमारे साथ रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री, जो कि कह रहे हैं कि फडणवीस सरकार जो है महाराष्ट्र में जरूर बहुमत साबित करेगी। कैमरन जहांगीर के साथ मनीष कुमार, News 24 दिल्ली। खैर, अब सूत्र भी यही बता रहे हैं कि अजित पवार भी कह रहे हैं कि रहूंगा तो बीजेपी के साथ ही, लेकिन